आज हमारा देश ऋणी है, किसका ऋणी है लोगों? यह हिंदुस्तान उनका ऋणी है जो खागे सिन्ने ऊपर गोली, खेल गए खून की जो होली, मिट के गए जान। भगत सिंह का आजादी की लगी बालकपन में चीस, अंग्रेजा की करतूत देख के हुई काया में टीस, करी ना किस्से की भी रीस, 20-30 साथी लेकर धर्म की गाती लेकर तू क्या फांसी शांते, जो मिट के गए जानते, हमारा देश उनका ऋणी। लाला लाजपत राय को आ गया पंजाब वाला शेर, साइमन के विरोध में कर गया अपनी काया का ढेर, तजीना देश प्रेम की मेर, देर सवेर करे था सेवा करना, पारता वह था खेवा, ना भाजा कदे मदानते, वह मिट के गए जानते, हमारा देश उनका ऋणी है। नेताजी ने जोड़ी करके मांग लिया था खून, साइमन के विरोध में नेताजी ने जोड़ी करके मांग लिया था खून, शंगापुर के मैदान में उसने सिद्धि मारी दून, गोरे दिए बून जून, मान साड़ी लेके जय हिंद का नारा देके बंगाली गया हिंदुस्तान ते, वे मिट के गए जानते, हमारा देश उनका ऋणी है। और लोगों उसका ऋणी है जिसका खाली स्थान आज तक नहीं भरन पाया, एक ऐसी प्रतिभा, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा चेहरा या आजादी लीलगी जिसका खाली स्थान आज तक नहीं भर पाया, कौन? दादा जाट मेहर सिंह लागे थे आजादी का नारा, भाई भाई दादा जाट मेहर सिंह लागे थे आजादी का नारा, नगर बरौने बीच मेरा सच्चा गुरुद्वारा, मन तो लग गए सगना प्यारा, सारा खेल से दो दिन का, रोता लाठर ज्ञान भजन का, छंद दरिया कर ध्यानते, वह मिट के गए जानते, हमारा देश ऋणी है किसका? उनका। आज हम खुली हवा में सांस लिया, हा सारा ढाल के अधिकार मिल रहे हैं, नाम शाम नहीं मिले थे लोगों, अंग्रेजी रिकॉर्ड के अनुसार मुंडे, अंग्रेजी रिकॉर्ड के अनुसार 7,32,000 जवान अपनी जान की कुर्बानी भारत माता के श्री चरणों में देंगे, और जिनमें सबका ऊपर नाम था शहीद आजम भगत सिंह, असेंबली हाल में गोला फेंकने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, अंग्रेज जज ने भगत सिंह को ऊपर तले ताई देखा और देख कर मोहित हो गया, न्यू बोला भगत सिंह चाहे तू मेरी बात मान ले, मैं क्या करूं, के जी मैं आपकी बात मानू, आप क्या करो, अगर तू संघर्ष का रास्ता छोड़ के और मेरी का ना जा तो मेरा घर 19 साल की 6 फुट की हाइट की नौजवान सुंदर लड़की है, मैं वो अपनी बेटी तरह ब्याह दूंगा,
लगो भगत सिंह आशिया ने बोला मजिस्ट्रेट साहब मैं आपकी बात मान लूंगा, आप मेरा लड़की ब्याज हो गई, लेकिन मैं लालची स्वभाव का हूं। हमारे हिंदुस्तान में दहेज लेने देने की प्रथा, मैं दहेज लूंगा। ने बोला भगत सिंह तू मुंह खोल, तेरे को हिंदुस्तान की सरजमी से उठा के ब्रिटेन में ले जाऊंगा, तेरे लिए अलग से बंगले होंगे, घोड़े गाड़ी होंगे, नौकर चाकर होंगे, तेरा मुंह बैरी कर दूंगा। भगत सिंह फेर आशा, मजिस्ट्रेट साहब ने बोला कि मैं तो सर रहेगी, ने बोला जी रहेगी। अके क्या मजिस्ट्रेट साहब, अगर आप अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करना चाहते हैं तो मैं दहेज माजा दी दूंगा। ओ था भगत सिंह, सुनिए लिखने वाले ने पहले नंबर पर क्या, भाई भगत सिंह के आजादी की, भगत सिंह के आजादी की, बालकपन में चीज लगी, राज विदेशी खटक गया था, भीतर लिए मैं टीस लगी, एक से दो और दोष जारनू, एक दूजे की रीस लगी, सरदान के गुरुकुल में बगो पढ़ की नाथीस लगी, सरदान के सभी साथियों का तय दिल के दिल की गहराइयों से धन्यवाद धन्यवाद। मारा कुणुंबा जी आ गया, आठ काम हमारे एक दादा के, आठ काम हमारे लाठर के दादा मेलू का बस है घराना, जले जीन तो बारा कोस बस हमारा बड़ा काम दुलाना, बूढ़ा खेड़ा लाठर नामी तीन कोस रजवाना, कर सोलह राजगढ़ देश खेड़ा तू बामनवाश भी आना, रोहतास लाठर दया परमेश्वर की जन्म साधी पर मैं ले रहा, हरियाणा और किधर चीजड़े लाया ही नहीं डेरा। आदरणीय ताऊ जी देश खेड़ा गांव के रहने वाले वजीर सिंह लाठर, सौ रुपए से आशीर्वाद देते मैं श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ, शर रखता हूँ। मेरे अजीज मित्र रानीला गांव के रहने वाले प्रकाश साहू, सौ रुपए से मान सम्मान करते हैं, मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद। दूसरे नंबर पर लिखिए, अरे एक और बताऊं, आप सभी रागिनी प्रेमी बैठे घर घर कवि हो रहे हैं, छंद अलंकार और मात्रा के हिसाब से भजन की बनावट के ऊपर ध्यान देना, क्या कहा दूसरे नंबर। राज्य
लाड़ी राजेंद्र लाड़ी नाम सुनया हो राजेंद्र लाड़ी नाम सुनया हो आजादी पे लाल खपे चंद्र शेखर राम प्रसाद खेह देश के बाल खपे अस्थक युला उदम शंकर विपिन चंदर पाल खपे लाला जी भी नहीं दिखता खुद गंगा दर पाल खपे लाला जी भी नहीं दिखता शर्मा जी जय साहब 100 रुपए से आशीर्वाद देते मैं बार बार नमस्कार करता हूँ नमस्कार सुनिए तीसरे नंबर पर करके तो आदमी का कंधा भी नहीं लग गया करसोला गांव के रहने वाले मेरे चाचा मास्टर राम कुमार जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते मैं श्री चरणों में सिर रखता हूँ मेरे अजीज मित्र भौजी तेलहन 100 रुपए से मान सम्मान करते मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ रानीला गांव से शहीद कवि सूर्य दादा जाट मेहर सिंह कमेटी 100 रुपए से आशीर्वाद देती है मैं कमेटी का बार बार धन्यवाद करता हूं लोगों हिंदुस्तान की राजनीति में जितने कुर्सी नशीन हैं एक आदमी भी खड़ा होगा नहीं बता दो क्या उनकी रिश्तेदारी में थे आप उनका परिवार मन किसी का आजादी खतर कांडा भी ला क्या हो तो गोली तो बहुत दूर की बात है अरे आज बकवाद करते हैं और परिवार कहाँ है उनका व्यक्ति नाम में बोलिया तीसरे नंबर में सुनिए क्या लिखा शिवारी रानी बचपन के माँ दई शहादत हमें ना दे सारा देश नमन करे दुर्गा बाजी की जवानी कैसे मुलते बोलाएगा यार फुलता जुबानी कैसे मुलते बोलाएगा मामा के लड़के ढीलाराम काफी नाम पर 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ मेरे अजीज मित्र
चटानी गांव के रहने वाले धर्मवीर सिंह 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। लोगो 11 साल की मैना देवी जब अंग्रेज पुरुष ने घर घेर लिया, अनुवाला लड़की तेरे बाप का पता बता, नवली माँ अपने पिता का पता बता के देश के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए। लकड़ियों का ढेर था उसका ऊपर फेंक दी और आग ला दी, छोरी जल की अपनी शहादत देगी, लेकिन उस 11 साल की मैंने देवी ने अपने पिता का पता नहीं बता। दादा ने लिखा एक जगह, उठ सौ सौ मन की चाल हाल सुन जा शिवाली रानी का, अग्नि के मां गात तपा दिया मैना देवी यानी का, धरती पर तो छोरा खोया और फूल जाट चलानी का, पढ़े लिखे पर पता चल रहा अंग्रेज जाएगी कहीं। दादा मेरे सिंह जाट ने भेद को दिया डारी बही और खाता मने लाल साज अंग्रेज उससे लकड़े साथ मिलाता। सजनों इस आजादी के इस आंदोलन में किसान रतन खोया गया जिसकी सारा हिंदुस्तान याद करे है। बोला इस आजादी के बारे में, इस आजादी के बारे में दादा मेर सिंह जाट खोया गया, श्याम वेद भी सरपट का सुर सम्राट खोया गया, आंसू कवि विष्णु अवतारी मुल्क की लाट खोया गया, 76 साल हो लिए बाहर करो ऊपर लापाट खोया गया। और रोता सला कर गया बरों ने दादा की धोख लगाई थी, अरे क्यों बोलना सो झूठ साहब के अंदर खेत आजादी आई थी, आजादी की कीमत वीरों ने दे बलिदान चुकाई थी, भगवान से निवेदन के उस शख्सियत को दोबारा ले देना रे, क्या कहा। शहीद कवि सूर्य दादा जाट महेश सिंह समिति बरोड़ा 100 रुपए से मान सम्मान करके मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। सुनिए चौथे नंबर पे बार बार धन्यवाद।